तो नमस्कार दोस्त, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ ना भाई साहब, अगर तुमने इस वीडियो को पूरी देख ली ना और जो मैंने आपको बात बताई अगर उसे अच्छे से समझ ली तो आपको महीने के 30 से 40 हजार रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी ले रहा, आप डेली के 1500 से 2000 रुपए तो डेली के आराम से अपने घर रह के ज्यादा ही 3-4 घंटे लगा के भाई साहब यकीन मानो मेरा 1500 से 2000 के बीच में डेली के आप कमा लोगे। तो दोस्तों मैं कल की तुम्हें एक बात बताऊं, कल क्या हुआ, हमारा जो मेन गेट था वो मेन गेट का जो मूसला था, हमारा एक मेन गेट का वो मूसला टूट गया था। अब वो टूटा हुआ तो काफी दिन से था, लेकिन क्या है बड़ा गेट था, मेन गेट था, मैं तुम्हें उसकी इस तरह की गेट की फोटो भी लगा के दिखा दूंगा। अब जैसे ही वो टूट गया तो अब गेट बंद करने में दिक्कत हो रही थी, फिर मैं दुकान वाले के पास गया जो वेल्डिंग वाला था, क्योंकि लोहे का गेट था तो वेल्डिंग करता हो, तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब मैं ऐसे ऐसे गेट का मूसला टूट गया उसमें वेल्डिंग कराना, लेकिन नहीं माने कि 1 इंच के आसपास उसमें पत्ती लगी हुई थी, वे दोनों टूट गई थी ऊपर नीचे से, इसलिए मूसला लग नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे बताया, उसने कहा कि भाई साहब मैं 400 रुपए लूंगा और आपके घर पे जाकर कर दूंगा। मैंने कहा भाई 400 रुपए तो ज्यादा नहीं बता रहा कुछ, कहने लगा भाई साहब 400 रुपए लगेंगे, आप कहीं और जाकर देख लो, मैं दूसरी जगह भी गया, उन्होंने भी इतने ही पैसे मुझे बताए। फिर मैंने कहा चल भाई ठीक है 400 रुपए ले ली तो आ जा, तो मेरे घर पर आया 400 रुपए में ही। अब मैंने उसे अपने घर की बिजली भी दी, उसने मात्र 10 रुपए की भी नहीं आती होगी यार, 5-6 रुपए की एक वेल्डिंग रोड लगाई भाई साहब, वेल्डिंग रोड लगाकर उसने 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, उसे 5 मिनट में उसने वेल्डिंग कर दिया, हमारी खुद की बिजली यूज करी अपनी 10 रुपए की, मान लो चलो 10 की वेल्डिंग रोड यूज करी भाई साहब, 390 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमा के बंदा चला गया। अब देख लो अगर उस आदमी ने अगर 5 भी इस तरह के कस्टमर उसके दिन पास में दिन में को आए ना इस तरीके से, तो उनने 2000 रुपए तो पूरे अपने दिन के आराम से कमा लिया। कितनी देर लगी, मात्र 5 मिनट, 5 मिनट भाई साहब, मैं खुद देख कर हैब में पड़ गया कि यार ये बंदा मतलब देख लो आज, मतलब हम लोगों को पता ही नहीं कि किस किस तरह के बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ना इतनी धन दौलत नहीं है कि हम एक बड़ा बिजनेस सेट कर लें। अब हम अगर छोटा सा बिजनेस हो जिसमें हमारा गुजारा चल सके, तो मैं आपको बस इतना ही छोटा सा बिजनेस आइडिया देने वाला, सबसे पहले आपको करना क्या है अब मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेनी है एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल भी छोड़ दो आपके पास एक साइकिल तो होगी नॉर्मल सी, साइकिल ले लेनी है आपको, अगर नई भी है ना भाई साहब पुरानी साइकिल 1000 से 1500 रुपए की आराम से मिल जाएगी, किसी साइकिल वाले की दुकान पे चले जाइए वहां से मिल जाएगी। साइकिल लेने के बाद आपको 4 से 5 हजार रुपए की एक मिनी वेल्डिंग मशीन ले गानी। अब वो वेल्डिंग मशीन भी आपकी इतनी आगी जितना आज के टाइम में जूतों का बॉक्स आ रहा है ना डिब्बा, इतनी बड़ी वेल्डिंग मशीन आगी, फोटो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा देख लो इतनी बड़ी वेल्डिंग मशीन है, इतनी बड़ी वेल्डिंग मशीन 4 से 5 हजार रुपए की आगे गारंटी से कह रहा, जाकर कल को ही ट्राई कर लियो। ये एक वेल्डिंग मशीन लेनी 1500 की आपके पास, अगर साइकिल नहीं है तो 1500 की साइकिल ले लो, टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया आपका 6000 रुपए का। आपको 6000 रुपए का इन्वेस्ट करना मात्र लाइफ टाइम के लिए, ये जिंदगी भर तक का है आपका। अब आपको आगे क्या करना, साइकिल ले ली आपने, वेल्डिंग मशीन ले ली एक, अब आपका जो आसपास का एरिया है ना, जैसे आप कहीं गांव में रह रहे आसपास के 10-12 गांव उन्हें कवर करो, या कहीं शहर में रह रहे उन शहर के आसपास का एरिया, एक छोटा सा आज के टाइम में क्या आ रहा है कल अलाउंसमेंट की रेडियो सी आ रही है, उसमें क्या चिप लगा के अपनी आवाज रिकॉर्डिंग कर ले, वो आपको ले लेनी है, वो भी 300 से 400 रुपए की आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, उसमें अपनी रिकॉर्डिंग भरने की भाई मैं इस तरह का टूटे फूटे सामान पे वेल्डिंग करने वाला आपके मोहल्ले कस्बे में आ गया। अब जैसे ही ये तुम सब काम कर लोगे तो अपने आसपास के एरिया में तुम्हें डेली जाना, हकीकत बता रहा पहले दिन से ना घाक मिल जाए ना, मेरा नाम बदल दो भाई साहब, कमेंट मार के गाली बक दियो मुझे, मेरा नाम बदल दो, कुछ भी कर दे तुम, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कुछ भी कर दो, मत करो यार, बिल्कुल भी मत करो, बस मेरी बात को आराम से ध्यान से सुन लो ठीक है ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए कल से ही, तुम ना 200 से 1500 रुपए 1500 या 30000 20000 महीने के आराम से ना कमाने लगो तो मेरा नाम बदल कर रख दियो ठीक है। आपको अपने आसपास के एरिया में जाना, आसपास के एरिया में चले गए, वहां जाकर जैसे तुम आवाज लगाओगे, लोगों के घरों में आज भी है ना, हकीकत बता रहा मैं, लोगों के घरों में आज किसी का कुंडा टूट रहा, क्योंकि लोगों पे इतना टाइम ही नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े गेट को कौन दुकानों पे ले जाओगा ठीक करने के लिए, दुकान वाले को बुला के लगाया वो 1000 500 800, तुम जाओ लोगों के पास में तुम बुलाओगे, तुम्हें इतना पैसे देने की जरूरत ही नहीं, तुम अपना जितना तुम्हारे में खर्चा लेकर जाना, स्टार्टिंग में कम पैसे मांगो भाई, किसी का अगर छोटा सा वेल्डिंग करना आपको एक रोड आपकी लग रही, तुम्हें लग रहा कि मेरी 5 रुपए की एक रोड इसमें खर्च हो जाएगी, आप उससे मात्र 200 रुपए चार्ज करो,
अब उसे भी लगेगा वो और को बताओगा, एक अपना छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनवा लो, उसे देख आओ, हाँ फिर दूसरी जगह जाओ। इस तरीके से अगर सपोज करो तुमने 10 ग्राहक भी एक दिन में बना लिए, 2000 रुपये तुम्हारे पहले दिन के बन गए, फिर दूसरी जगह जाओ इस तरीके से 2000 रुपये, इस तरीके से तुम लगा लो महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा लोगे। कितने रुपए खर्च कर, मात्र 6000 रुपये खर्च करके, और अगर साइकिल तुम्हारे पास अपनी है तो मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करके ही तुम महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से कमा लोगे। अब ये बात शायद आप कुछ लोगों को भी मेरी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन इस बात को आराम से ध्यान से सोच के देखियो, अपने घर में नजर मार के देखियो कि तुम्हारे घर में भी आज बहुत सी चीजें ऐसी लगी हुई होगी जो लोहे की बनी हुई है, उनमें से कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो अब काफी टाइम पुरानी लगी हुई होगी, कोई टूट गई, गेट कहीं से टूट गया, कोई भी चीज जाएगी, लेकिन तुम उन्हें दुकान पर ले जाकर नहीं करवा सकते। कल कोई अपने घर में जाकर देखियो और इस बात को सोच के देखियो कि अगर मैं दुकान से किसी को बुला कर लूंगा वो कितना पैसे चार्ज करेगा, या अगर कोई व्यक्ति आ रहा हमारे घर भी आ रहा, बस उसे क्या करना है, एक बिजली का कनेक्शन देना, ठीक है, कनेक्शन देने के बाद उससे वेल्डिंग करवा लेना, और उससे वेल्डिंग करवाने के बाद तुम्हें उसे पैसे दे देने, ऐसे ही उस बेचारे का काम चल जाएगा और तुम्हारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब, और अगर मतलब आपको मेरी बात भी जरा से भी सही लगी ना, बिल्कुल भी, अपने मतलब सोच के देखो पहले आराम से, ये कोई तुम्हें अटपटी सी लग रही होगी बात, लेकिन अगर तुम यहाँ से सोचोगे ना कि हाँ यो हम काम कर सके, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी तुम कहीं कर लोगे जाकर, लेकिन 6000 रुपये लगा के जब तुम अपना काम स्टार्ट करोगे ना तब तुम राजा की जिंदगी जियोगे, ठीक है, क्योंकि अपना काम भाई अपना ही हो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई आपकी मर्जी, करना हो कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपका प्यार तो बना ही हुआ है। तो मिलते हैं एक और बढ़िया से ऐसे ही देसी से बिजनेस स्टाइल में, क्योंकि भाई देख हम लोग इतने बड़े नहीं है जो मैं तुम्हें कह दूं कि भाई 2 लाख इन्वेस्ट करके वो वाला बिजनेस कर लो या कर लो, बस मेरा मकसद ये है कि 5-6 हज़ार रुपये में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, आप 1000-1500 रुपये डेली के कमाने लगो, क्योंकि तुम जाओ किसी के यहाँ मजदूरी करो पूरे दिन 8 घंटे तुम काम करोगे, जब जाकर भाई आपको 300-400 रुपये मिलेंगे। अब अगर तुम अपना काम करके ही डेली 1000-1500 रुपये कमा लोगे तो उसमें कुछ बुराई आएगा, कुछ बुराई नहीं है मेरा भाई। तो अपना काम करो, छोटा सा करो, चाहे छोटे लेवल पर करो चाहे बड़े लेवल पर करो, लेकिन अपना काम करो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नया बढ़िया बिजनेस आइडिया में लेकर आऊंगा, जिसमें आप मात्र मतलब मान लो कि बस 5-6 हज़ार रुपये के बीच में हम अगला बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।